वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हम बात कर रहे थे जलसे की और ये कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इनका पावर शो नहीं हुआ और स्ट्रेंथ इतनी नहीं हुई लोगों की, और इसके बारे में अच्छा वो जो कह रहे हैं ना मुझे क्यों निकाला, इस सिलसिले में बिलावल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से पूछ लें कि मुझे क्यों निकाला और इमरान खान को सियासत करना हम सिखा देंगे। अब ये देखिए ना कि ये बस हर तरफ से इसी तरह के जवाब आ रहे हैं। जरदारी साहब अपना जवाब दे रहे हैं, वो अपना जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं तो बिलावल भुट्टो साहब से ये तो बंदा कम से कम पूछ ले कि भाई आप लोगों की हुकूमत इतनी रही है तो बेनजीर भुट्टो का कातिल किधर गया, वो भी नहीं पकड़ा गया। देखिए ना, कम से कम एक बंदा अपनी हुकूमत में रहता है उसको ये तो होना चाहिए कि मेरी माँ का कातिल मुझे ढूंढना चाहिए, वो उनको ढूंढना चाहिए, दूसरे पर बातें करने से पहले अपने घर में जाके उनको देखना चाहिए था। बाकी जो बात हो रही है वो तो इसी के अंदर सारे शामिल थे, जलसे जुलूस में वो सारे इकट्ठे हुए हुए थे, अपना जलसा करके ये फारग होके चले गए और आगे आकर खुर्शीद शाह साहब बीच में ही बैठे हुए थे, ठीक है, एतजाज हसन साहब बीच में ही बैठे हुए थे, पार्लियामेंट में आके कह दिया कि उन्होंने लानत क्यों भेज दी है, वहीं पर कितनी बातें करके हैं जरदारी साहब भी। बरल ये कि अपनी अपनी शायद इसी को सियासत कहते हैं। हाँ जी, शायद इसी चीज को सियासत नहीं, सियासत इसको नहीं कहते हैं, सियासत का मतलब ये है हमारे मुल्क के अंदर लूट मार। अब मुझे बताएं, सागडार साहब भाग गए बाहर, मियां साहब ने 300 अरब खा लिए, फिर भी पूछ रहे हैं निकाला साहब ने क्या किया, और डॉन लीक्स वाला जो सिस्टम चला था जो मरियम के साथ अटैच किया जा रहा था परवेज शी साहब वाला, तो हमारे मुल्क के अंदर ये है कि जो हुकूमत में आएगा वो पैसा बनाएगा, पैसा बनाएगा, जो हुकूमत के अंदर आए वो पैसा बनाए, पैसा बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है, लोगों को लूटा जाए, लूट के पैसा बाहर फेंक दिया जाए। ये भी कह के हमारे साथ हाश ना। मुझे बताएं, मुझे देखें ना, एक अफ्रीका की एक बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है, अफ्रीका का एक बादशाह था, एक अभी भी मौजूद है वो बादशाह, उसकी बड़ी मिसाल है कि अफ्रीका के अंदर एक गाना, उनका इनका इलाका गाना में एक गैबी इलाका है, गैबी के अंदर वो बादशाह जो है, अब आप सुन के बड़े हैरान हो गए, उनका बादशाह जो है एक मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक एक बादशाह है, वो क्या करता है, वो सारा दिन वहां पर वर्कशॉप पे अपनी काम करता है और काम करने के बाद रात 8 बजे के बाद स्काइप के ऊपर अपने मुल्क के लोगों को, अपनी सल्तनत को देखता है, उनके मसले मसायल सुनता है, 3 माह बाद वो वापस जाता है अपनी सल्तनत में, वहां पर उस बंदे ने एक कर्जा, उस मुल्क ने, उस सल्तनत ने 1 रुपए कर्जा नहीं देना, वो जितने पैसे कमाता है लोगों से आगे हेल्प मांगता है। अच्छा, वो 1970 में उसके वालिद ने उसको भेजा जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए, उसने तालीम के साथ साथ वर्कशॉप का काम सीखा, उसके बाद जो है दादा ने भेजा, अभी उनके दादा का नाम है हुहू बादशाह, हुहू उसका नाम है। अब उसकी जो है वो 10-15 साल बाद 1970 में उसको भेजा, उसने आगे तालीम हासिल की, उसके 17-18 साल बाद उसके दादा का इलाके से फोन आ गया कि दादा की डेथ हो चुकी है, अभी बादशाह उसको बनाना है, जो नया आएगा बंदा उसको बादशाह बनाना है। कौन था? उसके वालिद साहब थे, उसका भाई था, उसकी प्रॉब्लम यह चल रही थी कि उसके भाई और वालिद को बादशाह नहीं बनाया जा रहा था, इस वजह से कि वो लेफ्ट हैंडेड थे, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड लोग उस एरिया के मुझे नहीं पसंद करते थे, तो ये इसको कुसी, इसका नाम था कुसी, कुसी को वापस जाना पड़ा, तो कुसी को वहां बुलाया गया, इसको बादशाह बना दिया गया, बादशाह बनाने के बावजूद वहां पर ये बादशाह बना और वापस आकर ये वर्कशॉप में, जर्मनी में ये वर्कशॉप इसने बनाई हुई है, वहां आके काम करता है, और वहां जब वापस जाता है, यकीन करें अभी आप साथ की मूवी भी चल रही होगी, उसके इलाके के लोग, बच्चे उसके पीछे भागते हैं और उसके नारे लगाते हैं। अब वो पार्ट टाइम काम कर रहा है कि पार्ट टाइम में आके वो जॉब करता है, वहां काम करता है, उसके बाद वो अपने इलाके को भी जाकर देख रहा है, और उसके इलाके ने हर जगह पर उसकी फैसिलिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, हर तरह की वो इस फैसिलिटी दे रहा है। हमारे मुल्क के अंदर ये है कि आप जितनी फैसिलिटीज हैं, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया है कि जो स्कूलों के प्लॉट थे उनको काट के उन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग में चेंज कर दिया गया, क्यों चेंज कर दिया गया है कि वो अरबों रुपए की है, तो ये तो हमें इस तरह का बादशाह नहीं मिल सकता। अभी आज एक स्टोरी पब्लिश हुई पंजाब के हवाले से, और उसमें एक जो उसकी हेडिंग छपी वो छपी कि ज़ैनब है 6% चांसेस ऑफ गेटिंग जस्टिस। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल में अगर पंजाब को आप देखें तो पंजाब में 10,774 रेप केसेस हुए, exactly. सिर्फ पंजाब के प्रोविंस में, पाकिस्तान की बात नहीं हो, तो राणा सनाउल्लाह किधर थे, और उसमें से सिर्फ 6% लोग जो है उनको वो अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई,
और बाकी जितने लोग हैं वो अभी तक भी दंदनाते फिर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी फिर राणा सनाला 2017 में भी आप देखें कितने केसेस हुए 2015 में है 2511 2016 में है 2781 और 2017 में है 2833 और इवन इसमें से 350 केसेस सिर्फ कसूर के जो जिला है उसके हैं मतलब ये एक इतना ट्रेंड बन चुका है बिग रेट आपके मुल्क में 3 सालों में 10,000 खवातीन जो है वो रेप हो चुकी हैं 10,000 से ज्यादा खवातीन और आपके पास अभी तक जो है वो कन्विक्शन रेट जो है वो आपका वो 5% 4% 6% मुजरिमों को सजा मिली है। बात करने की कोशिश करेंगे जो वसीम अब्बासी साहब ने भी ये जो आज की रिपोर्ट इसमें छापी बड़ा डिटेल्ड एक एनालिसिस छापा और उसमें जो मुख्तलिफ रेलिवेंट लोग हैं उसका मौका भी छापा उनसे भी हम बात करेंगे और जो स्पेशली एक बड़ी जो अबू बकर खुदा बख्श साहब हैं जो पंजाब के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल हैं पंजाब के जिनको जेआईटी का सरबराह भी बनाया गया था उन्होंने जो स्टेटमेंट दी इसमें जो पब्लिश हुई है उसके मुताबिक जो एक डीएनए का टेस्ट है उसकी कॉस्ट आती है तकरीबन 70,000 रुपए और पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है पुलिस के पास कि हम डीएनए करवा सकें इसलिए जो ऐसे बेहतर है कि उसका डीएनए ही ना करवाया जाए। अच्छा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं वसीम अब्बासी द सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है सारा इसमें जो डेटा है वो भी हमने बताया इस सिलसिले में आप हमें मजीद जो तफसीलात है इससे प्लीज आगाह करें। जी देखें डेटा तो आपने देख ही लिया है कि असल बात ये है कि कन्विक्शन रेट जो है वो पाकिस्तान में रेप जो ये बहुत सीरियस क्राइम है ये बहुत लो है 6% यानी कि हर 100 जो मुजरिम होते हैं रेप के उनमें से 94 जो है वो वापस घर चले जाते हैं बगैर किसी सजा के और जब सजा और जजा का ये तसव्वुर हो तो फिर कैसे आप डेटर कर सकते हैं क्राइम को। सोसाइटी में किसी क्राइम को रोकने के लिए जाहिर है एक सजा एक डेटरेंस है एक रुकावट है मगर ये रुकावट जो है जब वो होगी नहीं प्रोसिक्यूशन। वसीम अब्बासी साहब आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ये हर साल केसेस इंक्रीज हो रहे हैं 2015 में 2511 केसेस थे 2016 में 2781 केसेस थे और 2017 में 2813 में चले गए इसकी क्या वजह है आपकी बात भी हुई रेलेवेंट लोगों से। जी बिल्कुल ये भी बहुत अलार्मिंग बात है कि देखें लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है कि पंजाब में बहुत इंप्रूव हुआ है जाहिर है इस गवर्नमेंट के दौरान बड़े प्राउडली क्लेम करते हैं लेकिन आप देखेंगे फिगर्स हमारे सामने रेप के क्राइम के जो फिगर्स हैं ये तो उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है पुलिस के जो वेबसाइट ऑफिशियल और उसमें बढ़ रहे हैं इजाफा हो रहा है। जब हमारी रेलिवेंट लोगों से बात हुई जो कि इस मामले को देखते हैं तो उनका ये कहना है कि जी डेमोग्राफी है पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से शायद और रिपोर्टिंग बेहतर हुई है पहले ऐसा नहीं था कि रेप का विक्टिम जो है वो रिपोर्ट करे अपने केसेस को इतनी तो इसका मतलब है कि आबादी अगर बढ़ रही है पाकिस्तान में तो रेप के केसेस जो है वो उसके साथ साथ भी बढ़ने चाहिए। बिल्कुल ये लॉजिक दी जा रही है कि जी क्योंकि वो कांस्टेंट रहना चाहिए आबादी जो भी बढ़ेगी रेप के केसेस कांस्टेंट है उनको तो उतना ही रहना है ये हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि जी बिल्कुल जो क्राइम है वो हम एक्सेप्टेड है एज ए सोसाइटी और ये तो नहीं हम काम कर सकते आबादी बढ़ेगी तो जाहिर है वो भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आपने सही नुकता उठाया है आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें मेंशन की कि पुलिस ये कहती है कि एक डीएनए पे तकरीबन 40 से 70,000 रुपए खर्चा आता है तो इसलिए जो है वो पुलिस शायद डीएनए टेस्ट करवा नहीं पाती जिसकी वजह से जो है कन्विक्शन रेट जो है वो कम है। जी पुलिस का ये डिफेंस है उनका कहना है कि डीएनए नहीं करवा सकते लेकिन देखें उसके अलावा पुलिस का एक कंसर्न ये भी है कि जो असल रेप के केसेस हैं वो उन तक रिपोर्ट ही नहीं होते बाज़ोकात पंजाब के कुछ इलाकों में फेक रेप के केसेस भी रिपोर्ट करवाए जाते हैं उनका कहना है कि बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे पे खानदानी दुश्मनी की वजह से या कोई और वजूहात की वजह से रेप के इल्जाम जाली वाले लगा देते हैं और बाद में वो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो प्रूव ही नहीं होते ये उनका बहरहाल डिफेंस है मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कम अज कम 6% किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 में से 94 लोग झूठे रेप के मुकदमे दर्ज करवाते हो। और आपने से बड़ा अच्छा लिंक किया कि जो जैनब का केस है उसमें भी सिर्फ 6% चांसेस हैं कि उसको जस्टिस मिलेगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कहता है पिछले 3 सालों का उसके मुताबिक वाकई ये हकीकत है कि उसको 6% तक चांसेस हैं कि जितनी कोशिशें की जा रही हैं शायद कल भी आपने देखा सीएम साहब ने ये कहा कि अभी तक हम कोई डेडलाइन नहीं बता सकते कि मुल्जिम कब गिरफ्तार होगा या इस पे कब हम कोई कामयाब हो सकेंगे। जी बिल्कुल जो बाहर की डेवलप वर्ल्ड है जो अमेरिका है यूनाइटेड किंगडम है यूरोप है वहां पर डेटा को बड़ी अहमियत दी जाती है आपने अगर किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना हो तो पास के डेटा से आप प्रिडिक्ट करते हैं कि होने क्या जा रहा है तो ये हमारे सामने पुरानी एग्जाम्पल्स हैं कि उसके चांसेस 6% ही हैं क्योंकि हमारे हर 100 केसेस में जो है वो 94 लोग तो वॉक फ्री हो जाते हैं
और जो हमारी फर्स्ट बात हुई है, बाहर के मुल्कों में अगर ये रेट जो है कन्विक्शन का 60% भी हो, 60%, तब भी वो लानत बरामद करते हैं अपनी पुलिस को, अपने दारों को, कि ये बहुत कम रेट है कन्विक्शन का। तो हमारा तो 6% है जो कि किसी तरह भी कबले कबूल नहीं है। इस हद तक कहा जा रहा है कि हम रेप को इनकरेज करते हैं एज अ सोसाइटी। अगर इस तरह करेंगे तो कौन इससे बाज आएगा इस जुर्म से, जब कोई डर ही नहीं होगा सजा का। बहुत शुक्रिया वसीम साहब जी। अभी 6% तो बहुत डिस्करेजिंग और बहुत अलार्मिंग एक सिचुएशन है। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई कि आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी, हाँ वो एक फैक्टर है। और ये जब तक आप लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, मुझे बताएं कि इस चीज का असर क्या, इसका असर राणा सनाउल्लाह पे हुआ क्या, हमारे पार्लियामेंटेरियन के ऊपर उल्टा उनको चेयरमैन बना दिया गया दोबारा से, चेयरमैन बना दिया गया। और चेयरमैन बनने से इतने इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट के बावजूद मां बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें, कानून की मुझे बताएं कानून फिर किधर, और फिर लॉ मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं। क्या इमरान खान साहब जो बातें फिर करते हैं तो वो क्या मजबूरी है? यूके में जिस तरह वसीम भाई साहब ने बताया कि यूके में ये तकरीबन 60% कन्विक्शन रेट है वहां पे, लेकिन बावजूद उस पे उसमें जो पुलिस है उसको अकाउंटेबल ठहराया जाता है, जुडिशरी से पूछा जाता है कि ये 60% भी कम है, यहाँ पे 60 कहाँ और 6 कहाँ, हम 6% को भी जो है वो कह रहे हैं कि जी आबादी बढ़ रही है। अभी वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे वो इज्जत का मसला और चीजों का मसला, और जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें भी रेट ये है। और ये सिर्फ एक सूबे का केस है, ये कोई ओवरऑल पाकिस्तान का केस नहीं है, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की ये डेटा नहीं है। मेरे ख्याल में फिर तो खादम आला को वाकई इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले जो है इन चीजों को खत्म करने का तरीका ये है कि आप मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें गलत चल रही होती है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं आजकल, ये एक डिबेट चल रही है थोड़ी सी इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कुछ जगह पर ऐसे है कि बच्चों के डांस दिखाए जा रहे हैं, बच्चे गाने गा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में जो है हमारी हुकूमत और हमारे मीडिया को भी इस चीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह की कुछ चीजें ऐसी ना दिखाएं कि जिससे बंदा बेराह रवि का शिकार हो। तो जब वो बेराह रवि का शिकार होते हैं तो इनकी बदतमीजी वाली ये हरकतों की तरफ वो जाते हैं, तो जाहिर है फिर किसी ना किसी जगह पर वो उन्होंने करना है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो रेप है वो इंडिया में ज्यादा हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इतने नहीं हो रहे, लेकिन जो हो भी रहे हैं बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। माओ बहनों बच्चों को बचा के हमें रखना चाहिए, राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो कोई उम्मीद ना है। मैंने बता दिया ना कि मेरा ख्याल है जो मर्दान में हुआ था पेशावर में वो तो पकड़ा भी गया है बंदा, वो पकड़ लिया, उन्होंने चीफ जस्टिस ने बिल्कुल आज खुद नोटिस नहीं लिया, ठीक है, और वो रेप केस भी नहीं था, वो कत्ल था, और कत्ल हुआ और वो उन्होंने पकड़ लिया 2 दिन के अंदर अंदर, उन्होंने कहा था मेरा ख्याल है कि 24 घंटों के अंदर पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया। अभी तक ये 10 दिन मेरा ख्याल 11वां दिन चल रहा है, राणा सनाउल्लाह साहब का बस बयान आ रहे हैं आज पकड़ लेंगे कल पकड़ लेंगे, बस ना आज पकड़ा गया ना कल पकड़ा गया ना पकड़ा गया। ये हमारे साथ इसी सिलसिले में मौजूद है खावर मुमताज साहिब, स्टेट मिनिस्टर है और चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। ये जो अभी हमने एक रिपोर्ट के बारे में बात की कि इतना ज्यादा वुमेन रेप का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है और कन्विक्शन रेट सिर्फ 6% है। जी तो, जी बहुत बहुत ही कम है। जी हाँ बिल्कुल। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगी आप, ये गवर्नमेंट का फर्ज है लेकिन जो हमारे लॉ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, वालदैन की जिम्मेदारी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रियासत की बनती है कि अपने शहरियों को तहफ्फुज़ दे, और खास तौर पे जो नहत्ते और छोटे और कमजोर शहरी हैं उनके लिए तो तहफ्फुज़ देना करना चाहिए। इस डेटा के मुताबिक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 2015 की अगर बात की जाए तो जो टोटल केसेस थे वो 2511 थे, 2016 की बात की जाए तो वो 2781 पे पहुंच गए, और 2017 की बात की जाए तो वो 2813 पे पहुंच गए। तो ये बजाय इसके कि हम इस प्रैक्टिस को कंट्रोल करें, हम हर साल इसको बढ़ाते जा रहे हैं, और जो पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस वजह से बढ़ रहे हैं कि जो आबादी है क्योंकि वो बढ़ रही है तो इसलिए रेप भी जो है वो बढ़ रहा है। तो ये कोई बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट नहीं आई इस हवाले से? नहीं, इसको आप इस तरह देखिए कि लोगों ने अब केसेस रिपोर्ट करना शुरू कर दिए। पहले मेरे ख्याल से इस तरह के केसेस को लोग छुपाते थे, चुप रहते थे, तो अब ये केसेस रिपोर्ट करते हैं इसलिए सामने हमें एक हकीकत आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे ये कह सकते हैं कि हम पहले कम हैं और अब ज्यादा हैं, लेकिन ये अब सामने ज्यादा ये जो डेटा है हमारे पास ये ऑफिशियल डेटा है, वेबसाइट का डेटा है, और जो नहीं नहीं मैं डेटा को नहीं कंटेस्ट करें। जी जी। और ये तो साहब रजिस्टर्ड केसेस है ना, उसी से ये डेटा बनता है। जी जी। तो ये जो डेटा बनता है वो थानों के FIR से बनता है, तो जब वो FIR जब नहीं बनेंगी डाली जाएंगी तो लोग कम होंगे, लेकिन
पूरी बात है वो ये है। अगर अभी तक भी लोगों ने रिपोर्ट कम की है और उसके बावजूद 10,774 केसेस हुए हैं 3 सालों में, बहुत ज्यादा तो लोग रिपोर्ट करते हैं तो फिर तो ये कहीं 20-25 हजार तक पहुंचेंगे जाके। असल में तो बिल्कुल हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि असल में क्या हकीकत है, इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं और होंगे शायद। इसमें मैं बता रहे हैं कि राणा सनाउला साहब उस दिन कह रहे थे कि मीडिया जो है इस बात को ज्यादा उछाल रहा है, अगर मीडिया इस बात को ज्यादा ना उछालता तो ये 10,000 की रिपोर्ट भी सामने ना आती और जो मंथली हो रहे हैं या सालाना हो रहे हैं वो उनकी रिपोर्ट भी सामने ना आती तो राणा सनाउला साहब को तो ये बात जेब नहीं देती थी कि वो ऐसी बात करें कि मीडिया इस बात को उछाल रहा है कि ये लोगों में ये जाके दिखा रहे हैं क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। तो ये अगर मीडिया ने दिखा दिया है तो उसने तो अच्छा किया है ना, ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई कानून बन सके। ये देखिए जो मीडिया का रोल है इन चीजों को सामने लाने का वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन कभी कभी मीडिया इसको बहुत सेंसेशनलाइज भी करता है और अक्सर उसको जिस तरह दिखाता है वो जो बेचारी जिसके साथ वो सानिया हुआ है ना उसकी इज्जत और उसकी डिग्निटी पे बहुत बड़ा असर होता है। इसको और सेंसिटिवली दिखाने की जरूरत है। तो फिर आप जिस तरह कह रही हैं कि मीडिया दिखाता है तो उसकी इज्जत पे भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल हम उससे एग्री करते हैं और हमें एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो अगर इन केसेस को हाईलाइट भी ना किया जाए तो फिर इसका हल क्या है? करना जरूर चाहिए, नहीं मीडिया का एक रोल जरूर बनता है, मीडिया का रोल जरूर बनता है, लेकिन किस तरह से बताया जा रहा है उसको भी जहन में रखना चाहिए, एक कोड होना चाहिए। ठीक है मैम, बहुत एक एक चीज मेरी आखिरी सवाल आपसे कि जो डीएनए टेस्ट के हवाले से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस रिपोर्ट के बारे में कहा, वो ये कहा कि चूंकि डीएनए टेस्ट पे तकरीबन 70,000 रुपए जो है वो लगते हैं तो पुलिस के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो डीएनए करवाए और कन्विक्शन रेट को जो है वो इंक्रीज करवा सके। इसके लिए मेरे ख्याल से पैसे मुख्तस होने चाहिए, पुलिस के एक्सपेंसेस के अंदर ये होने चाहिए और इसको हमें लेके आगे इस इश्यू को लेके आगे जाना चाहिए। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो कोई आने वाले बजट में कोई इस तरह की प्रपोजल्स दे रहे हैं? हमें ये रेकमेंड जरूर करेंगे, हम बिल्कुल रेकमेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया मैम। अभी हर चीज रिकमेंडेशन पे है कि हम रिकमेंड करेंगे, अब वो इसके बारे में उन्होंने क्या सोचा हुआ है क्या होगा वो एक बात की बात है, इतनी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, इट्स जस्ट ओनली ऑन रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस। जेआईटी बनती जाएगी और बस इसी तरह चलता जाएगा, बस जेआईटी पे जेआईटी बनती जाएगी। जिसकी जेआईटी बन गई आज तक आपको पता कोई रिजल्ट नहीं इसका निकला, ना इसका निकलने वाला है, बस ये है कि तवज्जो लोगों को खुद ही बच्चों के ऊपर देनी पड़ेगी और पुलिस वालों को एट द एंड यही होगा। हाँ एट द एंड जाके यही होगा, मेरे ख्याल में तो कोई फायदा मुझे तो नहीं नजर आ रहा। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है ना उससे तो ये लगता है कि कल हर बंदे को वेपन अपने साथ कैरी करना चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर मुझे किसी ने कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऑफिशियल डिस्क्लेमर आ जाना चाहिए, आप अपने जिम्मेदार खुद हैं। एनआरकी और दहशतगर्दी की तरफ जाएंगे और फिर आप कहेंगे जी असले में पाबंदी लगानी शुरू करें, अब ये करें वो करें, भाई एक तरफ से आप खुद कह रहे हैं आप अपना डिफेंस खुद करें और दूसरी तरफ से जो है वो आप के लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं और उस पर कोई आपकी पुलिस जो है वो स्टेप नहीं ले रही। मतलब पुलिस की अगर बात की जाए तो कितना पैसा जो है वो आप क्लेम करते हैं पुलिस के हवाले से, लेकिन आज भी आपका जो इस रिपोर्ट के मुताबिक है वो भी आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास डीएनए टेस्ट करवाने के पैसे नहीं और पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है भाई, आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, इट शुड अनाउंस अ डिस्क्लेमर, बाद में इदारा जिम्मेदार ना होगा। तो ये कैसी आप लॉजिक पेश कर रहे हैं, आवाम के टैक्स के पैसे से पुलिस तनख्वाह लेती है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, आपके थाने चलते हैं, आपका सारा सिस्टम चलता है, लेकिन जब उसी आवाम पे रेप का मसला आता है या कोई इस तरह का मसला आता है तो आप कहते हैं हमारे पास डीएनए टेस्ट करवाने के पैसे नहीं है। तो भाई आप बनाए ना डीएनए लेबोरेटरीज अपनी, आप फैसिलिटेट करें पब्लिक को इस हवाले से, तो इसमें बड़े इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आबादी बढ़ रही है तो इस वजह से जनाब आबादी बढ़ रही है, अब हमारा देख लें डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो मुझे बताएं पीएमएस हॉस्पिटल किस लिए बनाया, हॉस्पिटल किस लिए बनाया, हॉस्पिटल्स में इनकी अपनी मशीनरी होती है सारा, वो डीएनए टेस्ट 70,000 जो बता रहे हैं वो चंद पैसों में हो सकता है अभी, बल्कि इसमें क्या करेंगे, ये इस्लामाबाद का पीम्स हॉस्पिटल है, इसमें वो बच्चों के लिए बच्चों का जो चंदा आ रहा है वो जापान सारा दे रहा है, जो बच्चों के लिए जो इन्होंने बेड बनाए हुए हैं बच्चों के बेड है उनके लिए जितना आ रहा है जो बच्चों का वार्ड है वो जापान सारा दे रहा है, वहां पर वो जितने भी वो सांस की मशीनें वो सारी पूरी हैं, लेकिन जो आम दूसरे एरिया में आई उनको मेरा ख्याल एक्नोवेटर कहते हैं या क्या कहते हैं वेंटिलेटर्स जो है वो आपको अंदाजा है कि हमारे पिम्स में रोजाना 10 से 12 लोग मरते हैं उसकी वजह से, यानी कि अगर आप इमरजेंसी में किसी मरते हुए बंदे को ले जाए उठा के ले जाए तो वो डॉक्टर बताते हैं कि हम आगे इमरजेंसी में कॉल करते हैं, हमें 99% उम्मीद होती है कि आगे
सिर्फ 2 करोड़ की मशीन है, 2 करोड़ रुपए की मशीन की वजह से 12 बंदे रोजाना के मर रहे हैं, तो उसका क्योंकि वो किसी और मुल्क से चंदा नहीं आ रहा है, हमारे मुल्क ने खुद देना होता है, हमारे मुल्क के पैसे लूट के बाहर फेंके जा रहे हैं और मुल्क का चंदा नहीं दिया जा रहा, अगर चंदा दे दिया जाए वो मशीनें लाके रख दी जाए तो आप समझ लें कि रोजाना आप 12 जानों को बचत कर सकते हैं, ये हो नहीं सकता। अल्लाह खैर करे, कोशिश करें, वज़ीर आला साहब को कहेंगे एक हॉस्पिटल मशीनरी लाके रख दें, ये फर्ज है जी, बिल्कुल कोई एहसान नहीं है, नहीं वो फर्ज समझेंगे तो पूरा करेंगे ना जी। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये जो सारी पावर गेम है, पावर शो है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक आम शहरी को, एक आम जो एक पाकिस्तान का सिटीजन है, बहुत जरूरी ये बात है कि हमें इतनी आगाही हो, हम इतने तालीम याफ्ता हों, हम इतने वेल अवेयर्ड हों कि हम समझ सकें कि व्हाट इज गोइंग ऑन। सो बहुत जरूरत है कि हम इतना हमें अवेयरनेस हो, उसके लिए जरूरी है कि हमें इतनी तालीम हासिल करें, क्योंकि कहा जाता है कि इफ यू थिंक दैट एजुकेशन इज एक्सपेंसिव देन वेट फॉर द टाइम व्हेन यू नो दैट हाउ मच इग्नोरेंस कॉस्ट यू, मे बी ये वही कॉस्ट है जिसको हम बेयर कर रहे हैं। सोचने की बात है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।